महाराज को न्याय का देवता माना जाता है। सूर्य पुत्र शनिदेव का सभी ग्रहों पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है और साथ ही यह लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, इसीलिए हर कोई इनकी ब्रह्म दृष्टि से ही बचना चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम धर्मचक्र में। आज हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान शनिदेव के, जो कि बाबा अलकनाथ मंदिर के शनिधाम प्रांगण में स्थित है। इस मंदिर की इतिहास के बारे में जानेंगे, श्रद्धालुओं का उनसे किस प्रकार से जुड़ाव है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको भगवान शनिदेव के। हमारे पापों और सभी गलत कर्मों का सूक्ष्म परीक्षण कर दंड देने का दायित्व शनिदेव पर ही है। हमें पूजा पाठ, मंत्र जप और हवन के अलावा अपने कर्मों को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे शनिदेव की कुदृष्टि से बचा जा सके। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म आपसे हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं ये देव। शनिदेव न्याय करता है जो व्यक्ति पाप करता रहता है, और जब उस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती चढ़ती है तो उसके पापों का सारा हिसाब किताब स्वयं शनिदेव करते हैं। जब आप सबसे छिपाकर कोई पाप कर रहे होते हैं तब शनिदेव की नज़र आप पर ही होती है। समय आने पर वह आपको उचित दंड देते हैं। महाराष्ट्र का एक स्थान शिंगणापुर, जो कि शनि शिंगणापुर के नाम से जाना जाता है, जो लोग शिरडी जाते हैं वह यहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। यह जगह शनिदेव मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ साथ इसकी और खासियत है कि यहाँ आज भी किसी के घरों में दरवाजे नहीं है। यहाँ चोरी की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ चोरी करेगा उसे स्वयं शनिदेव ही सजा देंगे। आज हम आपको बरेली के अलकनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित भगवान शनिदेव शिंगणापुर धाम से प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के शिंगणापुर के तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ दर्शन करने से मनुष्य के कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही शनिदेव की कृपा भी उन पर बनी रहती है। शनिदेव का यह मंदिर लगभग 8 से 10 वर्ष पुराना है। इस प्रांगण में शनिदेव के मंदिर के साथ ही पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति और साथ ही समस्त ग्रहों का वास है। यहाँ की मान्यता अपने आप में ही अद्भुत है। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से भगवान शनिदेव के दर्शन करने आते हैं। लोगों की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ श्रद्धालु, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। संजय अग्रवाल, मैं करीब 35 साल से इस अलकनाथ मंदिर और शनिदेव के दर्शन कर रहा हूँ, और मुझे इतनी आस्था, जितने भी मेरे कार्य हैं, बाधाएं हैं, सब दूर हुई हैं मेरे बाबा भोलेनाथ और शनिदेव बोलने से। कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी मैंने कोई मांगा होगा तो मुझे पूरा हुआ होगा। इस वजह जैसे कि यहाँ पे एक आयोजन होते होंगे, सावन आने वाला है और भी शनिदेव महाराज में, तो कैसा आयोजन का रहता है? आयोजन बहुत बढ़िया रहता है। सावन जो भी हमारे लोग आते हैं, श्रद्धालु जितने बाहर से दर्शन करने आते हैं, उनकी व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से करी जाती है लैंड में, और एक एक श्रद्धालु को सुचारू रूप से दर्शन किया जाता है। मतलब कोई ये नहीं भीड़ धक्का मुक्की हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कुछ नहीं। जैसे कि ये शनिदेव का मंदिर है, ये एकदम अलग बनाया गया है लोगों को, ताकि आवाजाही में दिक्कत ना हो, तो इस देखिए शनिदेव को तो वैसे भी मंदिर मैंने देखा है, ज़्यादातर मंदिरों में मैं गया हूँ, शनिदेव का मंदिर तो अलग ही रहता है, क्योंकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो पूजा करने में। पूजा अर्चना जो भी आदमी करते हैं, बहुत शांत प्रिय मंदिर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। दादी, आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हो? यहाँ आ रहे हैं हम 50 साल से, 20 साल की उम्र से, 70 से ऊपर निकल आए हैं। तो आप यहाँ रोज़ आते हो? अब तो पहले तो रोज़ आते यहाँ बैठे थे, अब सोमवार शनिचर आ जा। 40 साल हमको खाना छोड़े हुए हैं, जब कोई परेशानी तो हमने खाना छोड़ दो। बाकी बात सतर्क हुई है, कुछ सिद्धियाँ भी पाई है। अच्छा अच्छा, जैसे यहाँ पर शनिवार को किस प्रकार से लोग आते हैं, और मंदिर में सावन में या किसी प्रमुख आयोजनों में कैसा लगता है? लाइनें लागती हैं सावन में, बहुत कुछ मेला लागू रहा, तो शनि महाराज पर भी मेला लागू रहा, तो शनिवार दिन अब भंडारा होएगा तब भी मेला लागेगा। अच्छा, आप कितने वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं? तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ आते हुए। बीच में आना कंटिन्यू भी रहता है, कभी काम वगैरह के लिए छोड़ भी देते हैं, मगर आना है, जुड़ाव है मंदिर से। जो महाराज संत जो अपने यहाँ पे गुरु जी हैं, हमारे सलोने महाराज जी, वही हमारे गुरु जी हैं, हम उन्हीं के यहाँ पे आते हैं और सेवा भाव करते हैं, अपना जो भी कुछ हमसे हमारे उसमें होता है वो हम सब देखते हैं। बाकी यहाँ पे बड़ी श्रद्धा है लोगों की। आज शनिवार के दिन शाम के टाइम मेला चलता है,
आप देखेंगे बहुत भीड़ रहती है, यानी बहुत बहुत दूर से, सीबीगंज से और कहां कहां से, पीलीभीत से, भोजीपुरा से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, तो दिया वगैरह जलाते हैं, चौमुखा दिया, गुलाब जामुन का भोग लगाते हैं शनिदेव पे। जैसे कि भंडारे वगैरह या कोई आयोजन मुख्य भी होते हैं, अभी सावन में भंडारे लोग करेंगे बहुत, यहाँ तो मेला चल देगा सावन में, यहाँ हर समय पे भंडारा चलता ही रहेगा, कोई ना कोई आके करता ही रहता है, अपना प्रसाद लेके आता है, बनवा के चने हलवा पे, जैसे जैसे लोगों के चालीसे पूर्ण होते हैं। बाकी यहाँ शनिदेव का भंडारा साल में एक बार होता है, अगर वैसे भी कोई कराना चाहे तो सलोने महाराज जी से पूछ ले तो अपना करा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी यहाँ संयोग होता है सब करा जाता है। अभी यहाँ पे ब्लड डोनेशन का दिन आया था तो यहाँ कैंप लगा था, यहाँ पे सब पूरा ब्लड भी सब लोगों ने आए डोना। हाँ, अगर सेवा भाव से कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए मंदिर हमेशा हर देने के लिए जुड़ा हुआ है, सबके हर समय दरबार खुला हुआ है। जीर्णोद्धार हुए लगभग 10 वर्ष हो गए, पहले यहाँ सब कच्चा था, यहाँ पानी बरसात का नाले का सब पानी भर जाता था और कम से कम इस हाइट से 4 फीट नीचा था ये, और आज तो आप देख ही रहे हो सारा स्वरूप बदला हुआ है, सब भक्तों की देन है और खुद शनिदेव की कृपा। जैसे कि प्रमुख आयोजन वगैरह होते हो यहाँ पे? यहाँ पे प्रत्येक वर्ष में शनिदेव के स्थापना दिवस का भंडारा विशाल होता है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत भक्त श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं लोगों में। बात करेंगे यहाँ के मंदिर के पुजारी श्री सलोनी महाराज जी से और जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में कि ये कब बनाया गया और श्रद्धालुओं की क्या मंशा थी। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि मंदिर की स्थापना कब की गई? मंदिर की स्थापना तो ये प्राचीन जंट बाबा के नाम से स्थान था, जंट बाबा के मंदिर के बाद पहले ये जंट बाबा का वृक्ष है, शमी के वृक्ष जो है वो जंट बाबा के नाम से पूजा होती है, तो उसके बाद में जैसे जैसे मैं यहाँ बैठा आके तो इसको बनाया गया, भक्तों ने बनाया आके, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती गई तो अपनी सेवा करते रहे भगवान के मंदिर पे आके, जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। ये पहले ब्रह्मदेव बाबा का स्थान था, उसके बाद में शनि भगवान भी स्थापित हुए, पंचमुखी हनुमान जी भी आ गए, नवग्रह भगवान भी, गणेश जी भी हैं, भोले बाबा भी हैं, हनुमान बाबा भी हैं, दुर्गा मैया, काली मैया, बड़ी दुर्गे माता। इस मंदिर को बने हुए ये मंदिर अभी 10-12 वर्ष पहले ही बना है, इससे पहले हम बैठे तो बहुत दिन से हैं, 1990 से बैठे हैं यहाँ पर तपस्या 1990 से चल रहा है। हाँ जी, हमने भिक्षा नहीं करी किसी से, अपने आप भक्तों ने आके जिसकी मनोकामना होती गई पूरी उन्होंने अपने आप बनाया इसको। जैसे कि प्रमुख आयोजन होते हैं यहाँ पर, तो उनका कैसा रहता है? वो बहुत सुंदर जी, शनि भगवान का श्रावण अमावस्या के दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है यहाँ, उसमें भगवान का भंडारा भोग प्रसाद बनता है, वो भंडारे के रूप में वितरण होता है शनि भगवान। शनिवार के दिन यहाँ पर किस प्रकार श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है? प्रातःकाल सुबह 4 बजे से भगत आना शुरू कर देते हैं और रात्रि 12 बजे तक पूजा सेवा चलती रहती है, जो जिसकी परेशानी है वो बोलता है, आगे आके फिर बताता है कि हाँ महाराज मुझे शांति है, अरे वही पूजा और करते रहिए और शांति हो जाएगी। हमने दर्शन कराए आपको भगवान शनिदेव के और साथ ही श्रद्धालुओं से बातचीत की, आपने जाना कि लोगों का यहाँ पर उनकी विशेष आस्था है, उनका प्रमुख जुड़ाव है यहाँ से। यहाँ पर हमने एक बुजुर्ग महिला थी जो कि दादी जी थी, उनसे बातचीत की, उन्होंने पिछले 40 साल से अन्न का त्याग कर रखा है लेकिन अभी भी वो स्वस्थ हैं। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, धर्मचक्र की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।